आज मैं टॉपिक लाया हूं बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, जिसको दाब आयतन संबंध भी बोलते हैं। देखिए, जब किसी भी गैसीय नियम का हम प्रतिपादन में बात करते हैं तो उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलसैक के गैसीय आयतन का नियम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नियम में आते हैं। 1662 में वैज्ञानिक बॉयल ने एक नियम दिया कि यदि किसी गैस की मात्रा स्थिर हो तो उस मात्रा का दाब जो है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई गैस है और किसी बर्तन में भरा हुआ है तो उस बर्तन में उस गैस का दाब और एक बड़े बर्तन में भर दिया जाए, यानी कि आयतन बढ़ा दिया जाए, बर्तन का आयतन बढ़ा दिया जाए तो उसमें गैस के दाब का आकलन किया जाए तो जिस बर्तन का आयतन कम है उसमें गैस का दाब अधिक होगा और जिस बर्तन का आयतन ज्यादा है उसमें गैस का दाब कम होगा। दोनों स्थितियों में द्रव्यमान समान होना चाहिए, जितना गैस पहले वाले बर्तन में लेंगे उतना ही गैस दूसरे वाले बर्तन में होना चाहिए। तो इन स्थितियों में अधिक आयतन में दाब कम और कम आयतन में दाब अधिक हो जाता है। इसको हमने लिखा भी है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस में क्या होता है, मुख्य रूप से जो घटक होते हैं, जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं, उसमें होता है दाब, ताप, आयतन और मात्रायम। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि यदि ताप स्थिर कर दिया जाए, ताप को न बढ़ाया जाने की, जिस भी बर्तन में हम भर रहे हैं उस दोनों बर्तन, उन दोनों बर्तनों का तापमान स्थिर होना चाहिए, सेम डिग्री पर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये मात्रा भी स्थिर कर दें, ताप भी स्थिर कर दें, तो उस कंडीशन में जो दाब होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर कहीं इसको हम व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं और फिर यहाँ पे 1/b, जहां पर क्या होगा कि अब अगर कहीं किसी एक बर्तन में दाब P1 और आयतन V1 हो, दूसरे बर्तन के लिए दाब P2 आयतन V2 बराबर K, दोनों को अगर कहीं हम ले लें तो हमको मिल जाता है P1 V1 बराबर P2 V2। ये बॉयल्स का नियम है। अब अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, गैसों के बिहेवियर का ग्राफ खींचा जाए, तो y एक्स पर अगर हम दाब लेते हैं और x एक्स पर आयतन लेते हैं तो दाब अगर अधिक होगा तो आयतन कम हो जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से होकर जाएगा, ऐसे, इस तरह से ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉयल का नियम।